Hello everyone, this is Roshif and you are watching UI Developer Code. दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो गाइज आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। मैं उस नेविगेशन बार की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोबाइल पे साइड में ऐसे खुलता है, वो पुराने वाला डिज़ाइन। मैं बात कर रहा हूँ कुछ नए डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डिज़ाइन लिया है, पैनल लिया है, यहाँ पर लोगो है और यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू है। हैमबर्गर मतलब जो थ्री लाइंस आ रही हैं, ये हैमबर्गर मेन्यू। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे एक इफेक्ट के साथ मेन्यू आता है और इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज आइकन बन जाता है और जब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो दोबारा से हैमबर्गर मेन्यू बन जाता है। और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे इफेक्ट के साथ मेन्यू आता है। मैं इस पर अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक अलग से इफेक्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको। तो आज हम ये बनाना सीखने वाले हैं कि इस नेविगेशन बार को, रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार को कैसे बनाते हैं। इसको एक बार मोबाइल पर भी चेक कर लेते हैं मोबाइल पर कैसा दिख रहा है। तो मैं अगर इसको छोटा छोटा करता हूँ तो मोबाइल पर भी बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर ये डबल लाइन में आ रहा है, इसको हम सिंगल लाइन में कर सकते हैं। हम फ़ोन थोड़ा छोटा कर सकते हैं तो ये सिंगल लाइन में हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं इस नेविगेशन बार को कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ एडिटर VS कोड। यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CSS फोल्डर इमेज का फोल्डर है और इंडेक्स की फाइल है। CSS के फोल्डर में मैंने स्टाइल रखा है और इमेजेस के फोल्डर में एक बैनर है और एक लोगो है और फाइनली एक इंडेक्स है, इंडेक्स एचटीएमएल। यहाँ पर मैंने ओपन सेंस फॉन्ट लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक सा CSS स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर डिफाइन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डिज़ाइन को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले एक बैनर आ रहा है और सेकंड एक लोगो है और फिर यहाँ पर एक हैमबर्गर मेन्यू है। तो हमें यही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक बैनर ले लेते हैं, बैनर बनाते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए यहाँ मैं एक ले लेता हूँ, मैं हेडर ले लेता हूँ। हेडर पे क्लास डिफाइन करते हैं। तो हेडर पर एक बैनर ले लेते हैं सबसे पहले। तो मेरी इमेज जो है, मेरा इंडेक्स फोल्डर है, मेरी जो इमेज पड़ी है वो इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मुझे जाना होगा इमेज फोल्डर के अंदर और यहाँ पर इस नाम से इमेज है, होम बैनर के नाम से इमेज है। तो इसकी हाइट कर देता हूँ 100 PH ताकि ये पूरी स्क्रीन पर हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इमेज फोल्डर है यहाँ पर, मुझे पाथ सही नहीं लगा, इसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर बैनर आ गया है। अब इस बैनर पर अगर आप देख रहे हैं तो हल्का सा एक ग्रेडिएंट इफेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए भी हम ये बना लेते हैं। यहाँ पर कोई ग्रेड नहीं है और यहाँ पर एक ग्रेडिएंट का स्टाइल है। तो उसको कैसे बनाते हैं, यहीं पर हम ले लेंगे लीनियर ग्रेडिएंट। यहाँ पर कोमा लगा देते हैं। तो लीनियर ग्रेडिएंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने ऊपर दो कलर लिए हुए हैं तो हम इन्हीं कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो उसको हम देखते हैं। अब ये पूरा ग्रेडिएंट आ गया हमारे, इसके पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड था वो नहीं दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना होगा, जैसे कि यहाँ पे ओपेसिटी कम है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। ये VS कोड का बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है, यहाँ पर हम ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। इसको 8 कर लेते हैं, एक्चुअली इसको 5 कर लेते हैं। और इसकी इस वाले की ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर देते हैं, इसको भी 5 कर देते हैं। सेव करके देखते हैं।
अब उसके जैसा लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा सेकंड चीज़ है, हमें लोगो बनाना है और यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू बनाना है। तो चलिए लोगो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लोगो क्लास, लोगो में डिफाइन कर देता हूँ। लोगो फिर से मेरा एक कहाँ इमेज फोल्डर के अंदर है, तो इमेजेस और लोगो का जो नाम है वो है यूआई लोगो। ये बड़ा है, इसको सारी छोटा छोटा करना है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसकी हाइट हम 50 रख लेते हैं, ठीक आ रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे लोगो का यहाँ से स्पेस और यहाँ से थोड़ा कुछ स्पेस है, सेम स्पेस यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। तो मैं यहाँ पर स्पेसिंग देनी होगी थोड़ी, क्योंकि अभी हमारे डिज़ाइन में स्पेसिंग नहीं आ रही है, पूरा कॉर्नर से चिपक रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैंने लोगो डिख लिया, लोगो पर एक हेडर पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पोजिशन नेगेटिव लगा देता हूँ। क्या करते हैं, लोगो लेते हैं, लोगो पर एक मैं पोजीशन एप्लीट से कर रहा हूँ, आप इसको पैडिंग लगाकर भी कर सकते हैं। मुझे पोजीशन एप्लीट थोड़ा बेटर लगता है, तो मैं पोजीशन के यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको लेफ्ट से दे देता हूँ, तो बढ़ते हैं गाइस अपने सेकंड जो हमारा है हैमबर्ग मेन्यू। यहाँ पर क्लास लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं नेविगेशन, और नेविगेशन के अंदर लेवल, क्योंकि जो मैं यहाँ पर ये हैमबर्गर मेन्यू बनाने वाला हूँ उसको मैं लेवल के अंदर ही बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेवल ले रहा हूँ। और यहाँ पर ले लेते हैं जो हमें लिस्ट लेनी है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। इसके लिए मैं ले लेता हूँ क्लास, तो यहाँ पर मेरा हैमबर्गर मेन्यू हो गया, उसकी जो लिस्ट आएगी वो हो गया। और अब हमें लेना है यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर आता है, जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसके लिए हमें एक क्लास लेनी पड़ेगी। हम उसके लिए क्लास ले लेते हैं, इसको लेता हूँ नेव बैक। तो सबसे पहले मैं लेबल के लिए क्लास लिख लेता हूँ, जो मुझे हैमबर्गर मेन्यू बनाना है, नेव बार, नेव बार की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ऑल टाइम फिक्स ही रहेगा वहाँ पर। सॉरी विथ हाइट आई है, विथ लेंस 50 पिक्सल। यह आ गया यहाँ पर, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसके अंदर मुझे मेन्यू जो 3 लाइंस आ रही हैं उसको बनाना है, तो उसको हम बनाएंगे स्पैन के अंदर, जो मैंने यहाँ पर स्पैन डिफाइन किया है इसके अंदर, स्पैन हैमबर्गर। तो इस पर हम बनाएंगे अब 3 मेन्यू जो आ रहे हैं। हम या तो एक काम कर सकते हैं, स्पैन को 3 स्पैन्स लें, 3 लाइंस के लिए हम 3 स्पैन लें, या फिर हम एक ये भी प्रोसेस होता है कि हम मेन जो लाइन होती है मिडिल लाइन, उसको स्पैन में मेन स्पैन में ले लेंगे, और जो फर्स्ट और लास्ट लाइन होती है उसको बिफोर और आफ्टर में बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे बनाते हैं। लाइन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
इसको मुझे मिडिल में करना है, लेकिन अभी सेंटर में आ गया तो थोड़ा सा वो छोटा करना पड़ेगा क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा लग रहा है। इतना ठीक है, तो अभी मेरी एक लाइन होगी, लेकिन यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम सेकंड फर्स्ट और जो लास्ट लाइन होगी उसको हम बिफोर और आफ्टर में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। बिफोर के लिए मुझे यहाँ पर कंटेंट को एम्प्टी रखना होगा, उसको पोजीशन देनी होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, उसको टॉप से रख देता हूँ -10 पिक्सल। सेम मुझे आफ्टर पे भी बनाना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। अच्छा, मैंने यहाँ पर लेफ्ट में लिया है, लेफ्ट जीरो यहाँ पर भी, बस। अच्छा, मैंने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव नहीं लिया है, अब ठीक हो गया है क्योंकि यहाँ पर इसको रिलेटिव पोजीशन नहीं मिल रहा था, तो इसका जो पेरेंट है उसको हेडर को पेरेंट मान रहा था, इसलिए यहाँ पर ये ख़राब आ रहा था। अब इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो उसमें मार्जिन लगा लेते हैं हल्का सा। अभी ठीक आ गया है, तो हमारा ये हैमबर्ग मेन्यू तो बनकर तैयार है। चलिए अब हम जो हमारे मेन्यूज हैं इस पर वर्क करते हैं, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं अच्छे से। उससे पहले मैं जो हमारा ये आता है क्लिक करने पर बैकग्राउंड आता है, उससे पहले बैकग्राउंड ही बना लेते हैं। जो ये बैकग्राउंड आ रहा है सबसे पहले इस बैकग्राउंड को बना लेते हैं। बैकग्राउंड की क्लास को मैंने रखा है नव बैक, उस पर बैकग्राउंड मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ इस बैकग्राउंड के लिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज और ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के लिए सेम है जो मैंने पहले यूज़ किए हैं कलर, सेम वही कलर यूज़ कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर इस वाले डिज़ाइन में अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड जो आता है वो यहाँ पर से क्लिक करता हूँ तो इस एरिया से निकल कर बड़ा होता है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट में इस पूरे बैकग्राउंड को यहाँ पर इसके जो हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है इसके पीछे इसको हाइड करके रखना होगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कराना है मुझे, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज होगी इस बैकग्राउंड की उसको मुझे यहाँ पर इसके पीछे हाइड करके रखना होगा, तो वही मैं कर लेता हूँ। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, अब देखेंगे ये आ गया, लेकिन इसके ऊपर आ रहा है, हमें इसको पीछे लेना है। उससे पहले मैं इसकी पोजीशन और उसकी जो विड्थ है उसको सेट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाकर देखता हूँ इसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, 45 कर देते हैं और टॉप से 42 और राइट से 42 जो ठीक आ रहा है, तो हम ये CSS को यहाँ पर ले लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अभी जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा है ये इसके ऊपर आ रहा है, तो हम इसको जेड इंडेक्स के इसको नीचे कर देते हैं। तो उसका जेड इंडेक्स मैं डिफाइन कर देता हूँ, ले लेता हूँ। और जो हमारा नैव बार है उसको मैं उसके मुझे ऊपर दिखाना है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ज़्यादा ले लेता हूँ। देखते हैं अभी इसके पीछे चला गया। तो हमें क्या करना है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसको एक्सपेंड कराना है। तो एक्सपेंड कैसे कराएंगे, हम क्लिक करने पे मैं इसका ट्रांसफॉर्म जो एक प्रोबेबिलिटी स्केल उसको बढ़ा दूँगा। तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे करने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्म स्केल को मैं ऐसे बड़ा कर दूँगा ट्रांसफॉर्म स्केल को। जब मैं यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करूँगा तो जो इसका बैकग्राउंड बॉडी होगी उसको ट्रांसफॉर्म स्केल को काफ़ी बड़ा कर दूँगा, तो हमें ये बैकग्राउंड ऐसे दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 80 कर देता हूँ तो ये फुल विड्थ ले लिया है। तो मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी डिफाइन नहीं करूँगा। जब मैं इसकी क्लिक पर प्रॉपर्टी बनाऊँगा, क्लिक करने पर इसको मुझे एक्सपेंड कराना है, वहाँ पर उस टाइम मैं इसका ट्रांसफॉर्म स्केल 80 कर दूँगा। तो अब इसको तो इतना ही रख लेते हैं। तो अब चलते हैं मेन्यू की तरफ, मेन्यू डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हैमबर्गर की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर रखी है। तो चलिए अब जो हमने ये हमारे मेन मेन्यू है नेविगेशन, इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, और इस पर जब होवर करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट आता है। तो उसको कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे स्टाइल कर लेते हैं, उसको मिडिल में रख लेते हैं, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट मिडिल में आ रहा है। टॉप लेफ्ट, टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको ले लेता हूँ मैं। अब हमें इसको एग्जैक्ट मिडिल करना है, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। हम ट्रांसलेट -50% 50% कर देंगे ताकि हमारा जो मेन्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में आ जाए। तो अभी का जैसा आ गया है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और फोन वेट भी थोड़ा कम कर देते हैं। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। नेविगेशन में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। स्टाइल यहाँ पर लगा दिया एंकर टैग पर, यहाँ पर लगाना। अब ये ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें मुझे एक होवर इफेक्ट बनाना है, होवर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये होवर इफेक्ट जो बनाया हुआ है, तो आप इसको बिफोर से भी आफ्टर से बना सकते हैं, मतलब जैसे ही मर्जी आप बना सकते हैं। मैं इसको लीनियर ग्रेड स्केल से बनाने वाला हूँ उस इफेक्ट को। तो देखते हैं, चलो इस ट्रक को लीनियर ग्रेडिएंट की हेल्प से कैसे बनाते हैं। तो आप देखेंगे मैंने इस पर लीनियर ग्रेडिएंट लगाया, तो इसकी प्रॉपर्टी जैसी आ गई है, रेड आ गया है यहाँ पर और यहाँ पर वाइट आ गया है। तो उसको सही कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो रेड आ रहा है पोर्शन, इसको मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंट आती है, जैसे होवर करता हूँ तो वाइट पूरी तरह फिल हो जाता है। तो इसलिए वाइट ठीक कलर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कर देता हूँ 100%।
उसको वाइट चले जाता है, उसको 200 अवर कर लें तो पूरी तरह से हट जाता है। तो हमें यही चाहिए, पहले कम्प्लीटली इसको वाइट बैकग्राउंड को हटाना है, और जब मैं इसको होवर करूँगा तो वाइट बैकग्राउंड इस पर फिल हो जाएगा, और रेड को भी हटा लेना। तो रेड की जगह पर मैं तो मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। सेव करके देखते हैं, तो अभी यहाँ पर हट गया। अब जब मैं इसको होल्ड करूँगा तो मुझे वो बैकग्राउंड साइज़ को मुझे पूरी तरह इस पर फिल कराना है, तो उसके लिए सर बैकग्राउंड पोजीशन लगा लेते हैं। पोजीशन को अगर मैं 100% कर देता हूँ तो आई होप ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा। एग्जैक्टली पूरी तरह से फिल हो गया, पर ये प्रॉपर्टी मुझे लगानी है इसके, जब मैं इस पर होल्ड करूँगा तब मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो सेव करके देखते हैं, बहुत अच्छे जो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो मुझे इफेक्ट चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्ट वो इफेक्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, हल्का सा फास्ट कर देते हैं, इट्स बेटर। थोड़ा सा स्पेस, हल्का सा स्पेस कर देते हैं, तो गाइस आपको मैंने देखो इसको लीनियर ग्रेडिएंट की हेल्प से बनाया है। इस इफेक्ट को आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, बिफोर एलआई पर बिफोर यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से बन सकता है ये इफेक्ट, जैसे मर्जी हेल्प बना सकते हैं। तो ये तो हमारा नेविगेशन जो मेन्यू है, तो इसको हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब हमारा फाइनली जो रह गया, हमें इस पर वर्क करना है, हैमबर्गर पर वर्क करना है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, सबसे पहला इफेक्ट किया, जब मैं इसको होवर करता हूँ तो जो थ्री लाइन्स है हल्की सी स्पेस बढ़ जाती है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक क्रॉस आइकन बन जाता है और साइड में ये मेन्यू बनकर आ जाता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इसको क्लिक कराएंगे, क्लिक कराने पर शो जो हमारा ये आता है इसको शो हाइड करा सकते हैं। पर जिस कंडीशन में हमारे पास CSS की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमें जावास्क्रिप्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम इसको CSS की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो उसको CSS से कैसे करते हैं वो देखते हैं। CSS के करने का एक तरीका होता है चेकबॉक्स, चेकबॉक्स पर जब क्लिक कराएंगे तो उसको हम शॉर्ट करा सकते हैं, चेकबॉक्स हैक्स। तो चलिए गाइस इसको देखते हैं, चेकबॉक्स की हेल्प से इसको शॉर्ट कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर मैं एक चेकबॉक्स ले लेता हूँ, इस पर एक आईडी ले लेता हूँ, ताकि मैं इस लेबल को, इस चेकबॉक्स को इस पर बाइंड करा सकूँ। अब यहाँ पर मैंने लिस्ट लिख दिया है और लेवल 4 लिस्ट, तो यानी कि चेकबॉक्स और लेवल इससे बाइंड हो गए यहाँ पर। तो जब भी मैं चेकबॉक्स को क्लिक करूँगा तो इनडायरेक्टली हमारे लेवल पे क्लिक हो जाएगा। लेकिन हमें चेकबॉक्स को दिखाना नहीं है, तो चेकबॉक्स को फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। तो क्लिक पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक बैकग्राउंड एक्सपेंड हो जाएगा और ये शो हो जाएगा। इसको इनिशियल स्टेट में हम इसको भी विजिबिलिटी को हटा देते हैं, इसकी ओपेसिटी को जीरो कर देते हैं। मैंने ओपेसिटी ज़ीरो कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये विजिबल है। तो इस केस में मैं इसकी अगर विड्थ को ज़ीरो कर देता हूँ तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गई है। तो हमें दो काम करने हैं, तो जब मैं इस पर क्लिक कराऊंगा तो मुझे जो बैकग्राउंड आता है उसको एक्सपेंड कराना है और इसको विजिबल कराना है। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो जब भी इनपुट चेक्ड होगा, यानी कि उस पर क्लिक होगा, तो हमें क्या परफॉर्म कराना है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या कराना है, जो हमारी लिस्ट आती है इसको विजिबल कराना है, और सेकंडली इसको एक्सपेंड कराना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करा के देख लेते हैं, इसको हमें नैव बैक को एक्सपेंड कराना है। तो जब भी ये चेक्ड होगा, जो हमारा जनरल सिबलिंग्स होता है
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी ये वर्क कैसे करता है जनरल सिबलिंग्स, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि जनरल सिबलिंग्स वर्क कैसे करता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल सिबलिंग्स तो कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इनपुट है और इनपुट की क्लिक पर मुझे इसको सिलेक्ट कराना है, तो ये इसका इनपुट जो है पेरेंट तो है नहीं, तो इसको सिलेक्ट कराने के लिए मुझे जनरल सिबलिंग्स का यूज़ करना होगा। मतलब इसको इनपुट की क्लिक कराने पर अगर मुझे इसको सिलेक्ट कराना है, इसको सिलेक्ट कराना है, तो उस केस में मुझे जनरल सिबलिंग्स की हेल्प लगती है, तो मुझे इसलिए मैं वहाँ पर जब जनरल सिबलिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका क्लास का नाम है ना बैक, मुझे चेकबॉक्स पर क्लिक कराने के बाद इसको शो कराना है, यानी कि इसको एक्सपेंड कराना है, तो चेक जैसे चेक होगा तो उसमें मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है उसको, उसका स्केल को बड़ा कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वर्क कर रहा है, तो यानी कि चेकबॉक्स पे इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हम चेकबॉक्स की हेल्प से भी इसको इजीली बना पा रहे हैं। अब सेम टाइम में हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इनपुट को भी विजिबल कराना है, तो हमें क्या कराना है, जो मैंने इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो किया हुआ है, इनपुट जो हमारे मेन्यूज हैं उनकी ओपेसिटी को मैंने ज़ीरो किया हुआ है और विथ को भी ज़ीरो किया हुआ है, तो मुझे ओपेसिटी वन करनी है और इसकी विथ को 100% करना है। और मैं आपके जेड इंडेक्स को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड पोजीशन है जो बैकग्राउंड में आएगा 1000 दिया, तो मुझे नेविगेशन जो अपने आए उसको मुझे ऊपर दिखाना देते हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, इसे ऊपर के देखते हैं ये वर्क कर रहा है, पर अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इजीली शो हाइड हो रहा, तो इसके इफेक्ट बनाने के लिए काम कर लेते हैं। ट्रांजिशन लगा लेते हैं, बैकग्राउंड लगाया और जो हमारा नया वाला उसको लगा लेते हैं, जो हमारा टॉगल आ रहा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, रिवील हो पाएगा, 50,000 लगाया हमने टॉगल पे, उससे कम लगाया है मैंने, नया बैग जो आती है उसके बीच में मुझे दिखानी है, मैंने दिखानी है 300 दिखाया है। बट लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ पहले पुराने वाले पेज में, तो आप देखेंगे जो मेन्यू पे इतना इफेक्ट आ रहा है, हल्का सा ही आगे जाता है, उसके पीछे होता है, दोबारा से देखिए बेसिकली वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है, क्यूबिक वेजर जो प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी डालनी है उसके लिए एक वेबसाइट होती है, यहाँ पर हम इजीली बहुत अच्छे से तक मिल जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्यूबिक वेजर से। जैसे कि ये ट्रांजिशन की एनिमेशन की ही प्रॉपर्टी है, ये एनिमेशन किस कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे मैं इसको ग्लो करता हूँ, तो ये पिंक वाला देखिए, पिंक वाले पे इफेक्ट लगा हुआ है क्यूबिक वेजर, और ये जो ब्लू वाला है सिंपल है, सिंपल एनिमेशन है, तो ये सिंपल ऐसे चलेगा, लेकिन इस पे जो पिंक वाला है इस पे इफेक्ट लगाया, तो हम इफेक्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो अब देखिए इफेक्ट कैसे आ रहा है, तो हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी हमें एनिमेशन बनाना है वैसा बना सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ,
अब ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो मुझे यही फर्क चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा आगे जाएगा, फिर देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पर अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं क्यूबिक वेजर की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, आप अपने जाकर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। हाँ आप देखिए वो इफेक्ट आने लग गया है, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता है और फिर पीछे वापस आता है, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है। तो चलिएगा जब फाइनली बात कर लेते हैं हैमबर्गर मेन्यू की। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो मैं जब मैं इस पर होगा कर रहा हूँ तो हल्का सा ये स्केल बढ़ रहा है और क्लिक करने पर ये क्रॉस बन रहा है, तो हमें ये फाइनली हमारा ये इफेक्ट रह गया है, हमारा फाइनली ये वर्क रह गया, तो हम इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो फटाफट से सेव कराते हैं। तो ये हमें वर्क करना है, हैमबर्गर पर वर्क करना है, ये मेरा बनी बना हुआ है लेबल पे और ये हैमबर्गर है, हमें बेसिकली इस पर ही वर्क करना है, इस पर ही सीएसएस लिखनी है। तो जब भी मैं होवर करता हूँ क्या होता है, हैमबर्गर का जो स्पेसिंग होती है हल्की सी बढ़ जाती है, यानी कि लेवल पे जब मैं बार पर होवर करता हूँ तो उसके लिए मैं सीएसएस लिख लेता हूँ फटाक से। जब मैं होगा करता हूँ तो हैमबर्गर का जो बिफ़ोर एंड आफ्टर है उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि जो ये कंटेंट है इसकी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो मैं इसकी होवर पे इफेक्ट स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्रॉस बन जाता है, क्रॉस बनने पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर टू लाइंस आ रही हैं, टू लाइंस का क्रॉस बन जाता है, जो थर्ड लाइन है जो मिडिल वाली लाइन होती है वो हाइड हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे अपने इस केस में ऐसे ही करना होगा, जो मिडिल वाली लाइन आ रही है इसको तो हाइड कराना होगा, यानी कि हम इसको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, और जो हमारे जो दो ऊपर की लाइंस आ रही हैं इसको हमें क्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो मुझे उसके लिए चेकबॉक्स, जब भी मैं चेकबॉक्स पर क्लिक करूँगा यानी कि चेक जो इनपुट टाइप है हमारा चेक्ड होगा, वहाँ पर मुझे वो प्रॉपर्टी लगानी होगी, जैसे यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। जैसे इनपुट टाइप चेक्ड होता है तो जो मिडिल वाला बैकग्राउंड है वो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बाकी जो दो लाइन्स हैं वो रोटेट हो जाएंगी। यहाँ पर नया बार लेना होगा और मुझे फील्ड आइकन लगाना होगा, नया बार अब ये वर्क करेगा। तो जैसे ही चेक इनपुट टाइप पर लेवल पर हम क्लिक करेंगे तो नया बार का जो बैकग्राउंड मिडिल वाला लाइन है वो बैकग्राउंड पर ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। हाँ ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ये सही वर्क कर रहा है, उसी को कॉपी कर लेते हैं, बाकी टू लाइन्स के लिए भी वर्क कर लेते हैं। नंबर का फोर और आफ्टर को मुझे रोटेट कराना होगा। सेव करके देखते हैं। अभी ये खराब हो रहा है, गड़बड़ आ रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉप से इसकी प्रॉपर्टी नहीं लगाई, टॉप जीरो, तो यहाँ पे मैं टॉप जीरो करता हूँ। तो यहाँ पर ट्रांजिशन का थोड़ा इफेक्ट लगा देते हैं। अभी सही वर्क कर रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने 45 डिग्री दिया, अगर मैं इसको 135 कर देता हूँ तो मुझे लगता है और अच्छा टर्न वाला है, क्योंकि और ज़्यादा रोटेट हो जाएगा ये। हाँ अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी ज़्यादा रोटेट हो रहा है। इसको एक बार मोबाइल में भी चेक कर लेते हैं, मोबाइल में कैसा दिख रहा है। अगर मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ तो देखिए मोबाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो ये रहा हमारा रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, जो मोबाइल पर और डेस्कटॉप पर दोनों पर वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।